तो देखिए हमारे लड्डू बन गया है। तो इसी तरह सारे लड्डू बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, तो इसे बर्तन में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे ऑरेंज वाला कलर, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, तो 1 कटोरी हम पानी लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है। बचा हुआ पानी भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से घोल को तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा तैयार हो गया है, इस तरह से चाहिए। मैंने 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी ही पानी डाला है। और देखिए मैं ऊपर से टपका रही हूँ, तो एक एक बूंद ही डल ली है। तो इससे हमारी बूंदी गोल गोल आएगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो बूंदी बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए हम जिससे पूड़ियाँ निकालते हैं, मैंने वो ली है, पौनिया ली है। बूंदी बनाने के लिए मैंने जिससे हम पूड़ियाँ निकालते हैं वो ली है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ऑयल को हम तेज रखेंगे। और इसको जिससे हम बूंदी बनाएंगे उस वाले बर्तन को भी हमें ऊपर रखना है। जितनी ऊपर से बूंदियां गिरेंगी इतनी ही बूंदियां हमारी गोल गोल आएंगी। गैस को कम नहीं करना है, तेज ही रखनी है। बूंदियों को हमें इतना ही तलना है, निकाल लेते हैं। बूंदी हमारी बन गई है, तो चाशनी तैयार कर लेते हैं। सवा कटोरी चीनी लेंगे। 1 कटोरी बेसन में हमें 1/2 कटोरी चीनी चाहिए और 1/2 कटोरी ही पानी डालना है। गैस को ऑन कर देंगे। चीनी को घुलने देंगे। चीनी हमें हल्की सी चिपचिपी ही चाहिए, एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो चीनी को घोल लेते हैं। चीनी हमारी घुल चुकी है, तो डाल देंगे हरी इलायची और चाशनी को पकने देंगे। चाशनी हमें एक तार की नहीं चाहिए, जब हल्की सी चिपचिपी सी हमारी चाशनी हो जाएगी हमें ऐसी ही चाहिए। तो अभी ये चिपचिपी नहीं हुई है, तो अभी चाशनी को पकने देते हैं। तो चाशनी हमारी हल्की चिपचिपी हो गई है, तो गैस को कम कर देंगे बिल्कुल सेम। तो डालेंगे बूंदियां। गैस को सिम रखेंगे। थोड़े से खरबूजे के बीज डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इस तरह से और 2 मिनट के लिए सिम गैस पर इन्हें हमें ढक के रख देना है। गैस बिल्कुल सिम रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो गैस को बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट इन्हें हमें ढक के रख देना है। गैस बंद कर देनी है। 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। देखिए चाशनी भी अच्छी तरह से हमारी बूंदियों के अंदर चली गई है, देखिए इस तरह से। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और लड्डू बना लेते हैं। ठंडा हो चुका है, तो लड्डू बना लेते हैं। तरह से लेंगे